नमस्कार, आभार, अभिनंदन। फॉर्मूला गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। फॉर्मूला गुरु में हर हफ्ते हम एक नई थीम के साथ आते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि उसमें लगातार वृद्धि होती रहे। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे समूह की जो पिछले 3-4 महीनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जी हाँ, अडानी समूह लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और अगले 3 महीने अडानी समूह के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो निवेशक ऊंचे भाव पर फंसे हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जिन्होंने निचले स्तरों पर एंट्री ली है उन्हें किन स्तरों पर मुनाफा बुक करना चाहिए, और जो लोग अभी निवेश करना चाहते हैं उन्हें अडानी समूह की किन कंपनियों पर निवेश करना चाहिए या फिर इनसे दूर रहना चाहिए। अडानी समूह पर आज हम 360 डिग्री चर्चा बड़े विस्तार के साथ करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन 10 सवालों पर नजर डालते हैं जिनके माध्यम से अडानी समूह की पूरी गुत्थी को आज हम सुलझाएंगे। तो एक एक करके तमाम सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पर लाए जाएंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे जो लेटेस्ट अपडेट है कि अडानी ग्रुप के QIP के जरिए 21,000 करोड़ रुपए जुटाने के क्या मायने हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कंपनी का FPO टल गया था। टलने के बाद से क्या QIP के जरिए रकम जुटाने से क्या वाकई में जो एक कॉन्फिडेंस जो टूटा है वो वाकई में लौटेगा। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि रिटेल निवेशकों का भरोसा क्या यहाँ पर लौटता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से पिछले हम देख रहे हैं एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड यहाँ पर लगातार खरीदार बने हुए हैं, क्या QIP के रकम जुटाने के बाद यहाँ पर दोबारा अडानी समूह पर भरोसा लौटेगा। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर के होगा कि अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल अब MCDX से बाहर हो गई हैं, तो इनके बाहर होने से क्या कितना नुकसान होगा, कितनी और गिरावट बाकी है, और जिन लोगों के पास अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल के शेयर बने हुए हैं उन्हें करना क्या चाहिए, इस पर भी हम करेंगे विस्तारपूर्वक बातचीत। चौथा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जाँच के लिए जो है SEBI को जो है 3 महीने का वक्त दिया, हालांकि SEBI की तरफ से 6 महीने का वक्त मांगा गया था। तो अगले 3 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 2 बड़े इवेंट हैं अडानी समूह के लिए। पहला तो QIP के लिए के जरिए रकम जुटाने को लेकर के कि वहां से क्या सफल होती है कि नहीं, और दूसरा जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उसके बाद किस तरह का बवंडर सामने आएगा और अभी क्या करना चाहिए, इस पर करेंगे बातचीत। पाँचवा महत्वपूर्ण सवाल ये कि ASM से बाहर होने के बावजूद अडानी ग्रीन में अभी भी कोई रिकवरी नहीं आ रही है, यहाँ पर दबाव क्यों देखने को मिल रहा है और कितना दबाव देखने को मिल सकता है। अडानी ग्रीन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने ऊंचाई से करीब 79% इस साल जो है वो करेक्ट हो चुका है, 2023 की बात कर रहे हैं हम। छठा महत्वपूर्ण सवाल होगा अडानी पोर्ट को लेकर के। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाकी शेयरों के मुकाबले अडानी के गिरावट कम देखने को मिली है और लोअर लेवल से रिकवरी भी देखने को मिली है। अब इस रिकवरी के बाद क्या करें, जिन लोगों ने ऊपरी स्तरों पर ले रखे उन्हें क्या करना चाहिए, और इस जो लोगों ने लोअर लेवल पर लिए हैं क्या उन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सातवां महत्वपूर्ण सवाल खासतौर से सीमेंट कारोबार से जुड़ी कंपनियां हैं उन पर जो है किस तरीके का असर देखने को मिलेगा, कहीं क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे अडानी समूह में जो गिरावट देखने को मिली है उसका असर अंबुजा और ACC पर भी देखने को मिला है। अब यहाँ पर क्या कुछ राहत की खबर आ सकती है क्या, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। आठवां सवाल अडानी विल्मर को लेकर के होगा कि वहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन की स्टोरी बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कम से कम जो है कंजम्पशन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, तो क्या यहाँ पर अभी खरीदारी कर सकते हैं, पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से। नवा सवाल कि आखिर में जिन शेयरों में बहुत हायर लेवल पे लोगों ने खरीदारी कर रखी है और उसके बाद से वो होल्ड कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, नुकसान बुक करना चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ये हम आखिर में इस पर चर्चा करेंगे। और दसवां सबसे आखिर महत्वपूर्ण सवाल कि क्या अडानी ग्रुप में अगले 3-4 महीने जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं उनमें कोई एक ऐसे शेयर हैं, कुछ एक शेयर ऐसे हैं जहां पर खरीदारी की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, अडानी समूह पर अगले 3-4 महीनों के लिए क्या आउटलुक है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा शेयर कौन से हैं, तो ये आखिर में आपको अगर आखिर तक आप बने रहेंगे तो इसका जवाब आपको कार्यक्रम के आखिर में मिलेगा। तो चलिए, आपने वो 10 सवाल तो सुन लिए जिनके जवाब आज हम तलाशेंगे। अब आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के फॉर्मूला गुरु शेयर इंडिया के VP एंड रिसर्च हेड डॉक्टर रवि सिंह जी से। डॉक्टर रवि जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज के शो में। आज के इन 10 सवालों पे हम बातचीत करें, उससे पहले आपकी राय सर बाज़ार पर जानना चाहेंगे कि अगले एक महीने में बाज़ार की दिशा को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और अब मान के चलें क्या कि बाज़ार अब नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विपुल जी, अभी तक सभी जो है वो मार्केट की तरफ देखते हैं तो बुलिश ट्रेंड टोन दिखाई दे रहा था, लेकिन आज जिस हिसाब से मार्केट का मोमेंटम है या आज
एक दो दिन में अभी देखने को मिल रहा है, उसमें थोड़ा सा रुकावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी की पहले अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द अपने पुराने हाई को पास पहुंच जाएगा और तोड़ के नया हाई बनाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर अब डिले हुआ है, या फिर ये कहें कि अभी एक दो हफ्ते जो है वो मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा और उसके बाद एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा। निफ्टी में लोअर लेवल्स पे अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि वापस से 18,100 के आसपास आते ही फिर से बाइंग मोमेंटम जनरेट होगा और वो एक बार 400 से 500 के बीच तक के लेवल्स दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी में भी जब तक अब मार्केट 44,100 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक लंबे ट्रेंड नहीं मिलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ठहराव सा इस मार्केट में दिख सकता है। लेकिन ये जरूर आपने कहा कि अगर रेंज बाउंड में भी ऐसा रहता है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी रखते हैं तो आपको प्रॉफिट बनाने के मौके बहुत से। जी, तो प्रॉफिट बनाने के मौके काफ़ी सारे मिलते रहेंगे बाज़ार की दिशा कैसी भी हो। लेकिन अब लौटते हैं आज की थीम पर, और आज की थीम को चुनने का कई सारे कारण रहे, क्योंकि अगले 3 महीने अदानी समूह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगले जो अदानी समूह की तरफ से जो जांच जो है सेबी की तरफ से की जा रही थी, उसको लेकर के सेबी की तरफ से कहा गया था कि हमको 6 महीने का वक्त दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर अपनी जाँच आप पूरी कीजिए। तो ये 3 महीने में सामने आएगा कि सेबी को कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। आज भी एक डेवलपमेंट रही, जहां पर 2016 में 2021 में जो जांच चल रही थी उसमें ये कहा गया था, सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि 2016 से अदानी समूह पर जांच चल रही है, लेकिन सेबी ने इस बात से इनकार कर दिया कि अदानी समूह पर 2016 में किसी तरह की कोई जाँच चल रही है। इन सब के बीच में अदानी समूह 21,000 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है। इन तमाम पहलुओं को लेकर के जरा हम बातचीत करेंगे। सर, पहला सवाल यही होगा, अदानी ग्रुप जो है अब वो QIP के जरिए 21,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रहा है, इसके क्या मायने हैं? ये मायने इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कंपनी को अपना FPO टालना पड़ा था, और शायद इस बार भी ये शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस FPO को उस तरह का रिस्पांस ना मिले या फिर मंजूरी ना मिले। और अभी आप किस तरीके से देख रहे हैं, अगर कंपनी ये 21,000 करोड़ रुपये जुटाती है तो क्या वाकई में आने वाले समय में कंपनी के लिए कुछ बेहतर स्थिति होती हुई दिखाई देगी? और क्या जैसे हमने देखा GQ में कि जो है कंपनी को काफ़ी डिस्काउंट पे अपना शेयर प्राइस जो है और बेचना पड़ा था अपना हिस्सा, तो क्या यहाँ पर कितना डिस्काउंट आप उम्मीद कर रहे हैं कि अदानी ग्रुप की तरफ से ऑफर होगा, और इसके क्या मायने आप देख रहे हैं? देखिए विपुल जी, आपने बहुत सही समय पर चर्चा उठाई है क्योंकि अब इसके प्रोसेस पे कंपनी वापस जाने वाली है और जल्दी आपको इसमें जो है वो क्लियरिटी नजर आएगी। अभी कंपनी ने अपने जो टारगेट है उसको अगर FY24 के लिए देखते हैं तो लगभग $3.8 बिलियन का कैपेक्स इन्होंने सेट किया है। अब कंपनी के जो अभी हालात रहे हैं, जो न्यूज आई है और जिस हिसाब से स्टॉक की पिटाई हुई है, करेक्शन हुआ है, उसके बाद से कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस और साथ साथ स्टॉक के जो कैप यहाँ पर मार्केट वैल्यू घटी है उसकी वजह से कंपनी को फंड की काफी दिक्कतें देखनी पड़ी हैं। अब उसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो QIP के जरिए कंपनी यहाँ पर 21,000 करोड़ रुपए जुटाती है। अगर ये पैसे जुटाती है तो उससे कई चीजों का बेनिफिट होगा। एक तो कंपनी के जो कैश की शॉर्टेज है या जो पैसे की कमी है वो पूरी होगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम आएगा और अलग अलग इसलिए कंपनी ग्रुप में जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है उनमें फंड की जरूरत है। तो अभी के जो हालात है मार्केट कैप घटने की वजह से, लिमिट घटने की वजह से अदानी कंपनीज को फेस आ रही है, वो प्रॉब्लम दूर होगी और उसकी वजह से स्टॉक में वापस से एक जो ट्रेंड रिवर्सल होगा वो आपको बनता हुआ नजर आएगा और साथ ही कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी वापस से रीगेन कर सकते हैं। तो अगर QIP सक्सेस हुआ तो उसकी वजह से कम अदानी ग्रुप की जो निगेटिविटी है वो काफी हद तक कम होती हुई नजर आएगी। तो कम होती हुई नजर आएगी, लेकिन सर अब यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण सवाल निकल के आता है कि वाकई में क्या निवेशकों का भरोसा लौटेगा, क्योंकि एक तो अभी इस बात को लेकर के असमंजस है कि किस भाव पर जो है वो प्लेसमेंट की जाती है, और ख़ासतौर से जिस तरीके से अगर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाता है तो क्या ऐसा तो नहीं कि जिन दो कंपनियों में हिस्सा बेचा जा रहा है, ख़ासतौर से अदानी इंटरप्राइज, वहाँ पर क्या शेयर प्राइसेस में और ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा? रिटेल निवेशकों का भरोसा लौटेगा क्या अगर QIP से रकम जुटाने पर सफलता मिलती है तो? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है विपुल जी कि अगर QIP से कंपनी बिना किसी परेशानी से पैसे अगर इकट्ठा कर लेती है तो उसका विश्वास और उसका कॉन्फिडेंस कंज्यूमर भी यहाँ पर शो करेंगे। और चूंकि अदानी ग्रुप के समूह को पता है कि यहाँ पर कंज्यूमर का पूरे ग्रुप के शेयरों में जिन्होंने निवेश किया उन्होंने एक टाइम पे वो कहते हैं लड्डू आया तो पर खा नहीं पाए, पहले ही गिर गया, वही हिसाब है कि
बहुत बड़े प्रॉफिट भी यहाँ पर लोगों ने देखे, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन भी देखा। अब अगर ऐसा होता है तो वापस से कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस रीगेन करेगा। दूसरा, स्टॉक के प्राइसेस भी यहाँ पर जो करेक्शन में मिलेंगे उसकी वजह से इन्वेस्टर को जो डिस्काउंट ऑफर मिलेगा उसका भी फायदा मिलेगा और उससे उनके लॉस की थोड़ी रिकवरी भी हो पाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता हुआ नजर आएगा। तो रिटेल निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा अगर QIP से रकम जुटाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और दिक्कत होगी तो सबके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल सर, अभी हमने देखा कि जो तमाम घटनाक्रम चल रहे थे और खबरों का माहौल देखने को मिल रहा था, उसके बाद जो है अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल, इन दो को MSCI इंडेक्स से बाहर किया गया है, और ये माना जा रहा है करीब ठीक ठाक जो है आउटफ्लो जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये जो आउटफ्लो होगा पैसिव फंड की तरफ से, बाकी जगहों की तरफ से, तमाम FIs भी इंडेक्स पे अपनी पोजीशन बनाते हैं, तो ये जो आउटफ्लो होगा ये कंपनसेट कैसे होगा, और क्या जो अदानी टोटल गैस में हम लगातार दबाव देखने को मिल रहे हैं वो क्या अभी और गहराता हुआ दिखाई देगा? कैसे देख रहे हैं आप इन दो कंपनियों को? देखिए विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर MSCI इंडेक्स से बाहर होने की वजह से तो डेफिनेटली है कि बहुत से फंड जो है वो अपनी पोजीशन इससे क्विट करेंगे और इनकी जगह जो नए शेयर ऐड होंगे उनमें अपनी पोजीशंस बनती हुई नजर आएगी। तो लगभग अराउंड अगर नुकसान की बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि लगभग $300 मिलियन के आसपास का आउटफ्लो करीब जो है वो देखने को मिल सकता है। अब रिटेल का कॉन्फिडेंस तो जरूर है कि यहाँ पर थोड़ा सा वीक होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर जो जिस हिसाब से QIP से पैसे जुटाए जा रहे हैं उसकी वजह से वापस से जो है वो इनमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। जहां तक अदानी टोटल गैस की बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं से प्राइसेस में बड़ा करेक्शन अभी जारी है और मुझे ऐसा लगता है कि 600-650 तक के लेवल तक जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो शायद वापस से बाइंग मोमेंटम देखने को मिले। तो अभी के हालात में यहाँ पे इंडेक्स से बाहर होना भी काफी हद तक दुविधाजनक है और इससे बड़े इन्वेस्टर जो है वो बाहर होते हुए नजर आएंगे, अपनी पोजीशंस को क्विट करते हुए नजर आएंगे, जिससे कि अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनमें थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है। तो गिरावट यहाँ पर बढ़ सकती है, जबकि हम देख ही रहे हैं कि लगातार जो है दबाव जो है शेयर में देखने को मिल रहा है जब से MSCI इंडेक्स से ये दो कंपनियाँ बाहर हुई हैं। अगला सवाल सर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि माफ़ कीजिएगा, सेबी की तरफ से 6 महीने का वक्त मांगा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर अपनी पूरी जाँच आप कंप्लीट कीजिए। इस जाँच को लेकर के सबसे ज़्यादा उहापोह मची हुई है कि सेबी अगर कहीं ये कहता है कि वाकई में कुछ हेरा फेरी हुई है तो फिर कितना बड़ा खतरा हो सकता है, और अगर सेबी की तरफ से कहा जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कितनी पॉजिटिव खबर हो सकती है। ये 3 महीने कितने महत्वपूर्ण मान रहे हैं आप, और जो निवेशक हैं अदानी समूह को लेकर के उनको इस समय क्या कॉशियस रहना चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप कैसे मान रहे हैं इन 3 महीनों को, कितना कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं आप? देखिए विपुल जी, आपने सवाल में ही लगभग आंसर आपने बता दिया है। अगर सेबी यहाँ पर कोई भी क्वेश्चनिंग करता है या क्वेश्चन खड़ा करता है तो काफी हद तक एक बड़ी सेलिंग और बनती हुई नजर आएगी और जो रिकवरी कुछ स्टॉक्स में देखने को मिली है वो वापस से जाती हुई नजर आ सकती है। अब दूसरी तरफ आपने जो कहा इन्वेस्टर यहाँ पर जिन इन्वेस्टर ने बाय कर रखा है उनके लिए, देखिए फ्रेश इन्वेस्टर को तो इस तरीके की रोलर कोस्टर राइड या इतने उतार और चढ़ाव के बीच के माहौल पे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आप बेहतर है कि आपका पैसा है उसको बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाले एसेट में नहीं डालना चाहिए। ये हमेशा हम लोग सजेस्ट करते हैं, आपके प्रोग्राम में भी यही चीजें बताई जाती है। तो मुझे लगता है उनको थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरी जो कैटेगरी, जो रिटेल निवेशक है डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं, बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड को देख करके बहुत सोच समझ के बिना स्टॉप लॉस और टारगेट लगाए आप बिल्कुल ट्रेड मत करिए। आपके सामने एग्जांपल है, अदानी गैस आज 5% डाउन है, कोई बाइंग मोमेंटम नहीं है, कोई यहाँ पर बायर इस समय तैयार नहीं है खरीदने के लिए। इस तरीके के हालात से बचने के लिए स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करके निवेश करें। तो कोई भी आप अगर पैसे लगा रहे हैं तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी मत कीजिए जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। ट्रेडिंग के नज़रिए से बहुत सारे लोग लोअर लेवल पर खरीद रहे हैं, ऊपर लेवल पर बेच रहे हैं, उनके लिए भी
एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके अपनी रणनीति बनाइए, ताकि जब भी कोई ऐसी कोई खबर आए पॉजिटिव या नेगेटिव, तो फिर आपके पास निकलने का विकल्प रहे। तेज आती है खबरें, उसका शेयर तेज होता है तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि निकलने का मौका ही ना मिले और सर्किट लगने लगे लोअर। सर, अगला महत्वपूर्ण सवाल, अब आधे पड़ाव पर हम पहुंच रहे हैं और उसके बाद से धीरे धीरे करके एक एक कंपनी को खंगालने की भी कोशिश होगी, और यहीं से शुरुआत करते हैं, खासतौर से अदानी ग्रीन को लेकर के। ASM से बाहर आ गई कंपनी, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि शेयर पे सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला। 2023 में हमने देखा 79% की गिरावट देखने को मिली, और बाकी जो समूह की कंपनियां हैं उसके मुकाबले यहां पर दबाव ज़्यादा देखने को मिला। इसकी क्या खास आप वजह मानते हैं, क्योंकि इसी समूह की बहुत सारी कंपनियां ऐसी रहीं जो कि लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवर हुई हैं, अदानी ग्रीन के अंदर इतना दबाव क्यों बना हुआ है, यहाँ पर क्या ये क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरीके की जो यहाँ पर न्यूज आई या इम्पैक्ट आया या जो अदानी ग्रुप के ऊपर जो अपडेट आए उसको लेकर के स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली, और जिन कंपनियों के फंडामेंटल यहाँ पर थोड़े वीक थे या थोड़े ओवर प्राइस थे, ओवर बॉट सिचुएशन थी, उनमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब अदानी ग्रुप का ही आप जो यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं उसमें अगर आप जाते हैं और अदानी ग्रीन को देखते हैं, तो इसी समय 16 मई को ये स्टॉक लगभग 2850 रुपए था और आज सिर्फ 800 रुपए बचा है, यानी 874-75 रुपए के पास है। 2000 पॉइंट का करेक्शन, आपने 79% का करेक्शन बताया, उससे कहीं ज्यादा देखने को मिला अगर हाई से देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके में इन्वेस्टर काफी फंस जाते हैं, और चूंकि इसके फंडामेंटल यहां पर वीक थे उसका एक इम्पैक्ट था, तो ये सोचकर कभी भी निवेश की रणनीति ना बनाए कि ये 2000 की चीज 3000 की चीज जब 800 रुपए आ गई तो खरीद देते हैं, बढ़ जाएगा। नंबर्स पे ध्यान रखिए, और चूंकि इस समय QIP की बात चल रही है, सभी की इंक्वायरी चल रही है, तो इस तरीके के स्टॉक में अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। और सर, 79% से ज्यादा जो गिरावट आई है वो सिर्फ 2023 की मैं बात कर रहा था, बाकी तो हाई से तो काफी ज्यादा करेक्शन जो है वो देखने को मिल चुका है। 2023 में करीब 80% से ज्यादा करेक्शन जो है यहाँ पर देखने को मिल चुका है। अब अगले जो है शेयर पे बात करते हैं, और यहाँ पे बाकी कंपनियों के मुकाबले तब भी थोड़ी सी राहत रही है, जिस तरह की गिरावट बाकी कंपनियों में रही अदानी की। अदानी पोर्ट में हमने देखा कि जब गिरावट आई तो आई, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली। अभी भी हम देख रहे हैं कि 700 के इर्द गिर्द ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अदानी पोर्ट में जो इस तरह की रिकवरी देखने को मिली, तो यहाँ से क्या कुछ उम्मीदें दिखाई देती हैं? जिन लोगों ने लोअर लेवल पर लिया अदानी पोर्ट को, उनको क्या करना चाहिए? जो लोग ऊपर के लेवल पे 800-850-900 के आसपास फंसे हुए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? अदानी पोर्ट की रिकवरी को कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो विपुल जी, अदानी पोर्ट को अगर देखते हैं तो अदानी पोर्ट ग्राउंड रियलिटी पे फंडामेंटल नंबर्स पे काफी स्ट्रांग रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन न्यूज के बावजूद भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स स्टेबल रहे हैं। पैट ग्रोथ और एबिटा में जरूर हिट देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल अगर सेंटिमेंट को समझें तो अदानी पोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ रही है, और इसी वजह से इस स्टॉक में भी सेम आपको 960 रुपए से गिरावट 400 रुपए तक आई, लेकिन 400 से आज देखते हैं तो शेयर वापस से जो है वो 700 रुपए के पास पहुंच गया, 300 पॉइंट की रैली हो चुकी। मुझे ऐसा लगता है ये ग्राउंड रियलिटी पे कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पे है और अच्छे ऑर्डर्स हैं, पोर्ट पे काफी जो है वो मोनोपोली है की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। स्टॉक में अगर है तो बने रहे, अगर फ्रेश खरीदना है तो 600 और 550 का दायरा, 600 से 550 के बीच का दायरा काफी अच्छा दायरा है जिसपे कि आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट होगा 850 से 900 रुपए के बीच का, लेकिन वक्त देना पड़ेगा, समय लगेगा। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि आपको थोड़े फंडामेंटल यहाँ पर स्ट्रांग है और अपवर्ड मोमेंटम मिलता है तो आपको पैसे कमाने के मौके और आपके लॉस की रिकवरी के मौके आसानी से मिल सकते हैं। तो लॉस की रिकवरी के मौके यहाँ पर मिल सकते हैं, जब शेयर नीचे जाए 550-600 के आसपास आप खरीदारी करें, लंबी अवधि का नज़रिया रखें, 850-900 तक के लक्ष्य यहाँ पर रवि जी कह रहे हैं देखने को मिल सकते हैं। सातवां महत्वपूर्ण सवाल, जो कि कैसे कारोबार जिसका एक्विजिशन किया गया और उसके बाद इस सेक्टर को लेकर उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इस ग्रुप में है, क्या इसकी वजह से यहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा? अंबुजा सीमेंट और ACC, जी हाँ, सीमेंट कारोबार से जुड़ी जो कंपनियाँ हैं सर, उनका इस ग्रुप के ऊपर जो असर पड़ रहा है उसका भी हमने देखा शेयर प्राइस पे काफ़ी असर देखने को मिला। आगे की दिशा कैसे देख रहे हैं आप? इन दो कंपनियों से क्या सिर्फ अदानी ग्रुप में शामिल हो गई हैं, इस वजह से दूरी बनानी चाहिए, या यहाँ के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को आप कैसे देख रहे हैं सीमेंट कारोबार पर, आपकी राय अदानी ग्रुप के? देखिए,
देखिए, मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, आज आपका जो टॉपिक है ये इन्वेस्टर की आंखें खोल देगा, क्योंकि आपने अदानी ग्रुप पे चर्चा भी कर ली है, सारे स्टॉक्स की भी चर्चा कर रहे हैं। सीमेंट सेक्टर की इस समय अगर बात की जाए तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप के रहने की वजह से सिर्फ एक अंबुजा सीमेंट पे दबाव दिखा, और फंडामेंटल्स देखते हैं तो काफी स्टेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड काफी स्टेबल है, आगे कंपनी की ग्रोथ ट्रेमेंडस देखने को मिलेगी। और जो आपको 400 का लेवल दिख रहा है, ये आने वाले 1 साल का टारगेट रखें तो 600-650 दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है इसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपको रणनीति 1 साल की बनानी चाहिए, स्टॉक उठाना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड पे यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें अंबुजा सीमेंट और प्रोडक्शन को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि काफी अग्रेसिव है। तो बिल्कुल, यहाँ पर इसके स्ट्रांग फंडामेंटल है, और मैंने पहले भी कहा जिनकी ग्राउंड रियलिटी और जिनमें एक अच्छा दमखम बचता है तो उनपे इस करेक्शन पे फायदा भी उठाना पड़ेगा। तो आपने जैसे अदानी पोर्ट की बात की, यहाँ पर हम सीमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर से अंबुजा सीमेंट की तरफ आपको जरूर यहाँ पर फोकस करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट रणनीति बनानी चाहिए, और अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 3% हिस्सा आप अंबुजा सीमेंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपने कुल पोर्टफोलियो का 3% हिस्सा आप अंबुजा सीमेंट में निवेश कर सकते हैं और 600 650 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अपसाइड जो है रवि जी को काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है बाकी कंपनियों के मुकाबले। तो सीमेंट कारोबार पर अपनी नज़र अदानी समूह में बना करके आप रख सकते हैं। अब सर, एक और कंपनी जिस पर काफ़ी चर्चा हो रही है, ख़ासतौर से FMCG सेक्टर में जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कामकाज हो रहा है, अदानी विलमार की बात करें सर, यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर लोग कह रहे हैं डिमांड भी है, कंजम्पशन भी हो रहा है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति परिस्थितियाँ देखने को मिली है, बहुत लोग वैल्यूएशन को लेकर के अभी भी कॉशियस हैं। आप कैसे देख रहे हैं अदानी वेलमार को, यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए, जब नेगेटिव दिख रहा है तो थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि आपने जब अभी लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखे उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट था, लगभग 42% एबिटा कम होता हुआ नजर आया, पैट ग्रोथ जो थी वो 62% से डाउन नजर आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा समय देना चाहिए। वैल्यूएशन की बात करें तो 350 से 320 के आसपास के लक्ष्य आते हैं, तो उन लेवल पर अट्रैक्शन बन जाएगा, और फिर से फॉर्मूला गुरु में जब ऐसा होगा तो उसकी चर्चा होगी। तो मुझे लगता है अभी इस स्टॉक में थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए यहाँ पर, थोड़ा सा बस नज़र बना करके रखिए, कुछ गतिविधि दिखाई देती है तो फिर इस पर जो है हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, ना सिर्फ फॉर्मूला गुरु में बल्कि 1 से 2 में भी। लगातार रवि जी हमारे मेहमान बनते रहते हैं और आपकी तमाम दुविधाओं को जो है वो दूर करने का प्रयास करते हैं, तो आप बने रहिए यहाँ पर, फिलहाल नज़र बनाए रखिए खाली। अब आखिरी के 2 सवाल बचे हैं सर, और हम चाहेंगे कि अब हमारे दर्शकों को लब्बुलुआब आज की चर्चा का जो है वो निचोड़ मिल जाए। सबसे पहले तो जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो एक सवाल आता है हमारे पास, कि सर इस भाव पर जो लोग पीक पे फंसे हुए हैं, जो ऊंचे भाव पर जिन्होंने लेकर के रखा है अदानी ग्रुप की कंपनियों में, उनको क्या करना चाहिए? बहुत सारे सवाल आते हैं सर, इतने भाव पे लिए हुए हैं अदानी ग्रीन, एवरेजिंग कर लें, 3,000 पे लिए थे अब 800 आ गया, एवरेजिंग कर लें, ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या कंपनी को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए कि इस कंपनी में अगर अदानी ग्रुप में है, इस कंपनी में है तो लॉस बुक करिए, इस कंपनी में है एवरेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी आप उन तमाम दर्शकों के लिए बताएंगे जो कि हायर लेवल पे फंसे हुए हैं? बहुत अच्छी बात आपने विपुल जी पूछी, और आपने तो ये सवाल पूछ करके इन्वेस्टर के मन के में भी जो सवाल नहीं होंगे वो भी पूछ लिए हैं। इस समय देखिए, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी गैस, इन सारी कंपनीज का अगर कंपैरिजन करता हूं तो मैं एक लिस्ट बनाने की कोशिश करता हूं, तो मुझे नंबर 1 पे जिस कंपनी में स्टेक होना चाहिए उसमें आता है अदानी पोर्ट, जिसकी चर्चा अभी हमने करी। दूसरे नंबर पे मैं जाता हूं तो अदानी पावर, जिसमें जिसमें कि एक अच्छा पुल बैक दिखा, 150 के भाव के बाद वापस 236 के भाव आए, तो सेकंड नंबर पे इसको रख सकते हैं। तीसरे स्टॉक की बात करें तो अदानी इंटरप्राइसेस, इसको आप बिल्कुल, अगर आपको ये जो करंट भाव चल रहे हैं थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो आप इसको अपना थर्ड नंबर पे इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अब मैं यहीं पे कैटेगराइज कर देता हूं किन कंपनी से आपको दूरी बनानी है। तो देखिए, इस समय के भाव को देखते हुए सर सर अदानी, सर मैं चाहता हूं कि, मुझे लगता है जो कि आप उत्तर दे ही रहे हैं, तो आखिरी सवाल भी हम इस समय स्क्रीन पर दिखा देते हैं, क्योंकि मेरा आखिरी सवाल यही था कि कौन से ऐसे शेयर हैं जो कि 3-4 महीनों के लिए जहां पर दांव लगा सकते हैं, जहां पे आपको लगता है
कि जो भी निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला बाकी, लेकिन अगर आप निवेशक हैं और आपको अगर लंबी अवधि के लिए या 3-4-5 महीने के लिए अगर पैसे लगाने हैं, तो आप कौन से ऐसे 3 कंपनियां हैं जिस पर आप दांव लगाएंगे, और कौन से 2-3 कंपनियां हैं जिनको आप कहेंगे कि इनसे पूरी तरीके से दूर रहना चाहिए? बिल्कुल, मैं विपुल जी, मैंने यही आपकी बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट है, एक्सपीरियंस है आपका, आप इतना मार्केट से जुड़े हुए हैं कि आप क्वेश्चन पहले ही बढ़ा लेते हैं। और इस समय जो अदानी ग्रुप में है, ये सबसे बड़ा सवाल है, और बार बार जो इन्वेस्टर पूछते हैं उनको मैं कहूंगा कि आपके इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। और इसमें मैंने जैसे नंबरिंग करी थी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अदानी पोर्ट नंबर 1 पे रखिए, नंबर 2 पे अदानी पावर रखिए, नंबर 3 पर अदानी इंटरप्राइजेस रखिए। फिलहाल इन 3 स्टॉक पे अभी फोकस बनाकर रखिए। रीसेंट जो अभी सिचुएशन चल रही है उसमें आपको दूरी बनानी है AWL, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी गैस से। इन 3 स्टॉक से आपको अभी दूरी बनाकर रखनी है और नजर बनाकर रखिए वीक ऑन वीक बेसिस पे। और जैसा आपने बताया कि आप 1 बजे से 2 बजे का शो होता है, अगर कुछ होगा तो हम लोग जो है वापस से इस पे चर्चा करेंगे, बाइंग मोमेंटम बनेगा तो नहीं होगा तो उन 3 वर्स्ट कंपनियों में बेस्ट निवेश की भी एक कोई प्रोग्राम बना लेंगे, जिससे कि आप लोग उस रणनीति से समझ सके। लेकिन आपके भले के लिए अभी फिलहाल तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, जिससे अपना पोर्टफोलियो बचा सके। अब जिनका उस पर निवेश है दूसरी कंपनियों पर, कोशिश करें कि उन कंपनियों को, अगर आप अदानी ग्रुप में रहना चाहते हैं तो उनको उन स्टॉक से निकलकर इन 3 स्टॉक्स में पोजीशन को बढ़ा दीजिए। तो जो 3 कंपनियां खरीदारी के लिए बताई गई हैं, जिसमें अदानी पोर्ट शामिल है, अच्छा लग रहा है, इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेज अच्छा लग रहा है, इन समूह इन कंपनियों पे आप अपनी नज़र बना करके रखें, जिन पे जो है दूर रहने की सलाह दी गई उनसे दूर रहें, और वहां से अपना पैसा निकाल करके आप यहां लगा सकते हैं। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, आज के हमारे फॉर्मूला ग्रुप बनने के लिए। उम्मीद करते हैं अदानी ग्रुप को लेकर के जो तमाम आशाएँ शंकाएँ लोगों के मन में बनी हुई थी वो दूर होंगी, और लोग इसी समूह के अंदर अपनी रणनीति बहुत सोच समझ करके बनाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को समेटते हैं, लेकिन अगर आपको अदानी ग्रुप को लेकर के या फिर किसी भी स्टॉक को लेकर कोई आशंका है, कोई दिक्कत है, तो रोज जुड़िए 1 से 2 के बीच में, हम आपके साथ जुड़ते हैं, आपके तमाम शेयरों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन आप मनी9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।